क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ना। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ना ऑब्जर्व्स ए कार एट ए एंगल ऑफ डिस्प्रेशन ना ऑफ 30 डिग्री, है ना। आप समझते हैं कि ये जो है एक यहाँ पे समझिए एक कार यहाँ पे है ना। यहाँ पे जो है ये एक कार है ना। ये कार जो है मूव हो करके यहाँ पर आया। बी इसको आने में लगा यहाँ पे 6 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक टावर है ना। यहाँ एक टावर है ना, जिसका कि हाइट तो सब दिया, हाइट सब नहीं दिया हुआ है। हाँ जब ये यहाँ से है ना, ये जब इसका जो डिप्रेशन एंगल यहाँ से ये दिखा रहा है 30 डिग्री, तो इसका एलिवेशन कितना होगा? ये भी 30 हो जाएगा। अब फिर जब यहाँ से जब इसको देखता है 6 सेकेंड के बाद, तो ये दिखा रहा है इसका 60 डिग्री दिखा रहा है डिप्रेशन, तो इसका एलिवेशन कितना हो जाएगा? इसका भी एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी डी इसको मान लिया जाए, है ना। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है ना कितना समय लगेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको, है ना। और यहाँ पे ये जो है स्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सारा 6 सेकेंड लग गया उसको। और फिर यहाँ देखिए 6 सेकेंड लिखा हुआ है, 6 सेकेंड, है ना, आफ्टर द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार्ड इतना, ठीक है। तो इसको एच मान लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं दिया हुआ है जिसको हम लोग एच मान लेंगे, ठीक है। निकालते हैं ना, कैसे निकालेंगे देखते हैं, यह तरीका ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको जो है हम ये डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, तत्काल अभी जो है एक्स मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है बी सी का, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक में जो है ना दूरी कितनी, दूरी है एक्स, समय कितना लगेगा हम वो बाद में निकालेंगे, पहले ये एक्स निकाल लेते हैं, एक्स ये कितना होगा, ठीक है। तो हम आते हैं पहले इन ट्रायंगल है ना बी सी डी में आते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि परपेंडिकुलर और एक बेस का रिलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 10 60 डिग्री यूज करेंगे, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, सी डी अपॉन यहाँ लिखेंगे बी सी। तो यहाँ कितना हो गया, ये यहाँ हो गया इसका वैल्यू √3 हो जाएगा, और सी डी एच है और बी सी कितना है, ये एक्स है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच अपॉन √3 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमको। है ना, फिर आते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल है ना ए डी, और यहाँ पे सी में आते हैं, ए डी सी में। तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पे 10 है ना, ये बन रहा है 30 डिग्री, है ना। 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सी डी है ना अपॉन हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो यहाँ कितना, इसका वैल्यू कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। सी डी कितना है, एच है, और ये जो है ये एसी कितना है, एसी यहाँ पे 6+ है ना, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3H इक्वल टू 6+ X हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं हम एक्स का जो है ना मान को पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3H माइनस एच बाय √3 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 6। इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एलसीएम लेंगे तो 3H माइनस एच बाय
रूट थ्री मिल जाएगा, यहाँ पर जाएगा सिक्स, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू एच अपॉन रूट थ्री इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। काटेंगे यहाँ से थ्री, ये हो जाएगा एच का मान हो जाएगा थ्री रूट थ्री, है ना, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो फिर ये जो है एच इक्वल टू क्या हो गया, थ्री रूट थ्री हो गया। तो थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है सेकेंड में है और ये डिस्टेंस है, तो इसको भी डिस्टेंस बना लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, जो कार जा रही है इसका जो वेग है वो क्या है, भी मीटर पर सेकेंड है मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है ना, टाइम इंटू वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू होता है ना टाइम इंटू वेलोसिटी। तो कितना हो गया टाइम, यहाँ पे भी कितना है सिक्स, भी हो जाएगा मीटर, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो सिक्स भी यहाँ पे जो है, हम लोग यहाँ पे सिक्स भी कर देते हैं सब जगह, सिक्स भी सिक्स भी सिक्स भी यहाँ पे कर देंगे सिक्स भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको जब भी का मान जब निकलेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा ये, है ना, एच अपॉन थ्री रूट थ्री, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, हमको अभी मिल गया। अब यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है आने में कितना समय लगा, दूरी क्या मिल चुका है हमको, दूरी मिल चुका है एक्स इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री, दूरी मिल चुका है हमको। तो हमको चाहिए टाइम, है ना, टाइम इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस, है ना, अपॉन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, एच अपॉन रूट थ्री है ना। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी तुम्हारा कितना है यहाँ पे, है ना, ये है एच बाय थ्री रूट थ्री, एच अपॉन थ्री रूट थ्री। जब इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा थ्री सेकेंड मिल जाएगा। करने का मतलब क्या हुआ कि बी से सी तक जो है आने में कार को समय लगेगा 3 सेकेंड समय लगेगा। ये हो गया कंप्लीट उसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट, यानी कि ये टावर है ना, और ये इसका पहला पॉइंट, ये इसका दूसरा पॉइंट, है ना, ये हो गया ए बी सी डी मान लीजिए। इसका एलिवेशन इस टावर के टॉप से इस पॉइंट पे एलिवेशन, और इस टावर के पॉइंट इस टावर के पॉइंट से इसका एलिवेशन, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। करने मतलब ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये एच निकालना है हमको। एक का डिस्टेंस बोल रहा है कि 4 मीटर के दूरी पे है और एक जो है ये 9 मीटर के दूरी पे है, यही फिगर है। अब इसको बना लेना है आराम से। तो हम लोग आते हैं पहले, है ना, इन ट्रायंगल, है ना, ए सी डी में आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बेस का ही रिलेशन चल रहा है। तो 10 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच बाय फोर, ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब फिर आते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, है ना, सी, है ना, बी डी में, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यह हो जाएगा यहाँ पे 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू एच अपॉन, ये हो जाएगा 9, है ना। तो करने के मतलब क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे है ना कॉर्ड का मान कितना होता है, 1/10 होता है ना, एच अपॉन ये 9 हो गया है ना, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 tan थीटा का मान कितना है, एच बाय 4 है, तो एच बाय यहाँ पे 4 लिखेंगे इक्वल टू में एच बाय 9। इसको जब हल करेंगे तो ये 4/h हो जाएगा इक्वल टू एच बाय ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पे एच स्क्वायर को जिसको हल जब करेंगे तो ये हो जाएगा √100 36, और एच का मान कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा ये सेंटीमीटर जैमीटर हो जाएगा। इसको दे दीजिए अपना अपना, ये हो गया आंसर 16 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।